79,000 और 776 है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर स्वीकृति की कार्रवाई बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। अब इसमें समझ लीजिए कि 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों में 69,943 पद, प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 32,916 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 से 12 के लिए 57,602 पद शामिल है। इस पर काम चल रहा और बहुत जरूरी है कि इसके लिए इस महीने के अंत तक इसके लिए जो भी है परीक्षा होनी है हो जाएगी और तेजी से ये काम हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी बहाली हो जाए। अब इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 हेडमास्टर के लिए प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही की जा रही, वो भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में लगातार सुधार किया जा रहा और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था, ये हम ही लोग कर दिए थे, इसलिए कि हम बच्चे बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगी। अब वो करते थे बहुत हुआ और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। 4,000 से शुरू हुआ आज कहां पहुंच गया, 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया, तो सब किया गया। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं, हम तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई वढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चे बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं, तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब दिन सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर ये काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है, अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं कि ये बहाली हो जाने दीजिए और इसके बाद बाकी लोग भी हैं उनके लिए भी उनके हित में जो काम करने वाले हैं बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हमारे हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके, और अभी देखा जा रहा है, और हम सबसे आग्रह करते हैं कि पढ़ाइए ठीक से, आज जो पढ़ाएंगे नहीं आज जब गायब रहेंगे तब कार्रवाई होगी, आप पढ़ाए रहिएगा तो सरकारी तौर पर भी आगे हम सोच करके करवाने के बारे में हम लोगों के दिमाग में बात है, वो सब करेंगे। तो इसलिए सब लोग मिल करके और सब जगह बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए, ये पढ़ाना कितना जरूरी है। अब आजकल देख रहे हैं ना, पहले कितना कम बच्चे बच्चियां पढ़ते, आजकल अब संख्या कितनी बढ़ रही है। इसी के चलते आप जानते हैं ना जी, प्रजनन दर बढ़ रहा, हम लोग काहे कह रहे हैं कि बच्चियों का पढ़ाई जरूरी है। तो आप समझ रहे थे ना, बिहार में 4.3 था और जो सर्वे हुआ था तो अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर देश के विभिन्न हिस्सों में 2 था। अब बिहार में भी करवाए हम लोग तो अगर लड़का लड़की में लड़की भी मैट्रिक है तो उसका भी लगभग 2 था और उसके बाद देश भर में अगर मैट्रिक के आगे इंटर तक और आगे तक है तो उसका प्रजनन दर देश के सभी हिस्सों में 1.7। अब बिहार में एक जगहों पर सर्वेक्षण हुआ तो 1.6। इतनी खुशी आई हमको कि अब हम सब
लड़की को भी इंटर तक पढ़वावेंगे। और देखिए अब पढ़ने लगी है तो आपको पता है अब जो हमारे बिहार का प्रजनन दर 4.3 था, अब घटते घटते पिछले साल में ही 2.9 हो गया। और इसी तरह से सब लड़कियां पढ़ेंगी तो जरूर बिहार का भी प्रजनन दर 2 पर आ जाएगा। अब बिहार क्या स्थिति आप जानते हैं, ये अब बताइए हम लोगों का बिहार का तो 12वां नंबर पर न है जी, लेकिन आप